बेटा सेंसर ख़राब था, आपकी गलती नहीं, आपके साथ चिटिंग हो गई, अभी हमारी वहाँ पे वो पहचान नहीं है। मैंने फर्स्ट स्टेप रखा, वो धीरे धीरे करके थोड़ा तो इंडिया डेवलप हुआ। मैं लास्ट सीनियर नेशनल में 6 मेडल थे। अभी हमारे प्लेयरों को एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो प्लेयरों को सही गाइड ना करके गलत गाइड कर रहे हैं। कभी आपको बुरा नहीं लगा इस चीज़? गवर्नमेंट के सेंटर हैं वो, तो इतने बड़े बड़े स्टेडियम हैं, वहाँ से क्यों नहीं आ रहे प्लेयर? कैसे एथलीट को ट्रेन देने में बहुत मज़ा आता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटिस्तान। आज मैं आपको ताइक्वांडो के भाई से मिलाने जा रहा हूँ। ये भाई नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आज हमारे साथ हैं भाई, ऐसे भाई जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल मेडलिस्ट बहुत सारे दिए हैं इंडिया को। सो आज हमारे साथ हैं हरीश टोकस सर। तो मैं आपको भाई बोलूँ कि सर बोलूँ? क्या भाई बोलो, भाई बोलो। भाई में ऐसा क्या है? देखो भाई क्या है, जो मेरे यहाँ पे है वो मेरे रिलेशन में है, तो वो मुझे भाई बोलते हैं, मुझे अच्छा फील होता है, प्लस रिस्पेक्ट दिल से होती है। अगर सर बोल रहे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे कोई भी, भाई एक ऐसा वर्ड है जिसकी रिस्पेक्ट दिल से होती है, तो सब मुझे भाई बोलना पसंद करते हैं और मैं भी सब। सो भाई मैं आपसे बात करूँगा ताइक्वांडो की। आपकी काफ़ी लंबी जर्नी रह चुकी है, तो मैं शुरुआत करूँगा आपकी एज एन एथलीट, जब आप एक खिलाड़ी थे तो आपने कब और कैसे शुरुआत की और ताइक्वांडो को ही क्यों चुना आपने? मैंने 1997 में ज्वाइन किया था ताइक्वांडो एज ए शौक। उस टाइम पे ताइक्वांडो को कोई इतना जानता नहीं था, एज ए कराटे के उससे शौक के तौर पे किया था। पर जब मैं वहाँ गया तो मैं वहाँ पे सबसे छोटा प्लेयर होता था एज में, और वहाँ पे सब सीनियर बच्चे होते थे। तो जब मैंने उनको खेलते हुए देखा तो मेरे अंदर भी मोटिवेशन आया कि मुझे भी खेलना है, देन मैंने स्टार्ट किया खेलना। तो कौन सी एज से आपने स्टार्ट किया था, याद है आपको? 6 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया। ओके, सो आप जब सीनियर में खेलते थे तो कौन सा वेट कैटेगरी? फिन वेट खेलते थे आप। सो एज एन एथलीट आपने कब तक ताइक्वांडो खेला है? मैंने 2010 लास्ट कर्नाटका नेशनल खेल के छोड़ दिया। छोड़ा क्यों आपने, क्या रीज़न था? रीजन मेरे लेग में इंजरी था। सो कोचिंग आपने 2010 से स्टार्ट कर दी थी? 10 से। सो आपको क्या याद है कि अभी तक आपके पास कितने नेशनल और इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं? ये तो मुझे याद नहीं है, पर काफ़ी। पहला याद है, पहला किसको आया था नेशनल मेडल? पहला 2015 लुधियाना में मेरा पहला प्रदीप डागर लड़का है जो अभी CRP में है, उसका आया था। और इंटरनेशनल मेडल कब आया था आपको पहला? इंटरनेशनल मेरे वर्ल्ड स्कूल गेम में आए थे, 5 गोल्ड थे और मेरे वर्ल्ड चैंपियनशिप खेले प्लेयर। आपका सपना क्या है, मतलब ताइक्वांडो में आप कहाँ तक जाना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो? मेरा सपना ये है, जैसे मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप गया हूँ तो मैं वहाँ पे जब मेडल सेरेमनी देखता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ हमारा कोई भी पोडियम पे नहीं खड़ा होता। तो मेरा सपना हमारा उस पोडियम, वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक के पोडियम पे खड़ा हो, हमारे देश का झंडा सबसे ऊपर ले रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा है हमारा कोई भी नहीं खड़ा होता, से हम क्लोजिंग देखते हैं और रिटर्न आ जाते हैं। जब मैं फर्स्ट वियतनाम गया था तब हमारे 5 मेडल आए थे, हमें बेस्ट स्पोर्ट्समैनशिप मिलती है। मेरा सपना ये है कि बेस्ट स्पोर्ट्समैनशिप ने बेस्ट टीम का हमें मिले। तो आपने बात की वर्ल्ड चैम्पियनशिप की, बात की आपने ओलंपिक की बात की, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया के अंदर अभी जो इंडियन एथलीट है उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उस लेवल पर क्वालिफाई कर सकते हैं? अभी तो नहीं है, पर जो यंग एज के बच्चे हैं वो काफ़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पर हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम सीधा जाके इंटरनेशनल मेडल दे सकते हैं, ओलंपिक खेल लेंगे। हमें पहले एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल तक पहुँचना पड़ेगा। हमें एक अपने देश का नाम उस पहचान पर रखना पड़ेगा, ताकि रेफरियों को, सब चीज ऑर्गेनाइजर को पता चले इंडिया टीम स्ट्रॉन्ग होती है। अभी हमारी वहाँ पे वो पहचान नहीं है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, एशियन चैम्पियनशिप में पहचान नहीं है। वो हमें सबसे पहले वो करना पड़ेगा, फिर जाके हम ओलंपिक क्वालिफिकेशन राउंड में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आपने बात की ओलंपिक की, सो अगर हम ओलंपिक की बात करें या फिर इंटरनेशनल चैम्पियनशिप की बात करें, तो सारी जो चैम्पियनशिप होती है सेंसर पे होती हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी भी बहुत सारी जो चैम्पियनशिप होती है, अगर मैं ओपन नेशनल की बात करूं तो उसमें जो फाइनल फाइट होती है वो सेंसर पे करा देते हैं। सो ये कितना बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे एथलीट्स के लिए? ये बहुत ज़्यादा
जो सेंसर पे खेलता है ना प्लेयर, वो मैनुअल पे नहीं खेल सकता, क्योंकि सेंसर पे क्या है, बिल्कुल रोक के गेम खेलता है, रुक के खेलता है, और मैनुअली तो जो ज़्यादा किक मारता है वो जीतता है। अगर सेंसर वाले प्लेयर को आप ओपन नेशनल में फाइट खिलाओगे, वो फर्स्ट फाइट ही हार जाएगा, क्योंकि वो रुक के खेलता है आराम से, और मैनुअली जो ज़्यादा किक मारेगा वो जीत जाएगा, वो फाइनल तक पहुँच जाएगा। तो आपने इसकी इम्पोर्टेंस कब समझी? बिकॉज जहाँ तक मुझे याद है कि आप काफ़ी पहले सेंसर्स अपनी अकेडमी में लेके आ गए थे। जब मैं कोच 2014 में मैंने देखा कि हमें सेंसर चाहिए, हमारे प्लेयरों को एज ए वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंटरनेशनल पोडियम पे जाना है तो हमें चाहिए, तो मैंने सेंसर परचेज किया। उस टाइम पे किसी को कुछ नहीं था, किसी को नहीं पता था सेंसर का। मैं लाया, मैंने अपने प्लेयरों को वहाँ से स्टार्ट किया सेंसर पे। मैंने फर्स्ट स्टेप रखा, वो धीरे धीरे करके थोड़ा तो इंडिया डेवलप हुआ कि थोड़े बहुत तो आज इंडिया में सेंसर आए। सेंसर की हम बात कर रहे हैं, सो आप अपने सेंसर काफ़ी लो कॉस्ट में, चाहे मैं बात करूँ फेडरेशन की चैम्पियनशिप हो या फिर किसी और की चैम्पियनशिप हो, आप बहुत ही कम दाम में देते हो। सो ऐसा क्यों? क्योंकि जो जो सेंसर्स होते हैं काफ़ी कॉस्टली आते हैं और आप बहुत ही चीप प्राइस में देते हो, तो इसका क्या रीज़न है? मेरा रीज़न ये है कि प्लेयरों को खेलने को मिले। जो बच्चा कल को इंटरनेशनल खेलना है, वो ये ना सोचे कि मैं पहली बार सेंसर इंटरनेशनल में पहन रहा हूँ, वो इंडिया में सेंसर पे खेले ताकि उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस मिले। अभी हमारे प्लेयरों को एक्सपीरियंस ही नहीं है, सेंसर पे किक मारते स्कोर नहीं आता है, तो उनकी मेंटेलिटी ये होती है कि सेंसर नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी खेले नहीं है। आपने बात की सेंसर में बच्चे खेले नहीं है, आपके ऊपर अगर आपको याद हो तो काफ़ी लोग आपके ऊपर ये आरोप लगाते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं कि आप सेंसर्स के साथ छेड़छाड़ करते हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि सेंसर के साथ छेड़छाड़ की जा सकती देखो, है? सेंसर जो डेडू है वो वर्ल्ड क्लास कंपनी है, पूरे वर्ल्ड में यूज़ होते हैं, और WTA ने उसे अपरूड कर रखा है ना ओलंपिक में, वो ऐसे ही नहीं कर रखा है कि ऐसे ही अपरूड कर दिया है। पूरा गाइडलाइन होती है इनकी, पूरे ये चेक होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारे कोचों की थिंकिंग है, क्यों? उनका अगर प्लेयर हार रहा है तो उनको कोई ना कोई अपने प्लेयर को रीजन देना है, क्योंकि उनका बिजनेस है। अगर उनका रीजन नहीं दे पाएंगे, प्लेयर उनसे छोड़ देगा, तो उनको अपने प्लेयर को कुछ ना कुछ तो दे, बेटा सेंसर ख़राब थे, आपकी गलती नहीं, आपके साथ चीटिंग हो गई। पर वो प्लेयरों को सही गाइड ना करके गलत गाइड कर रहे हैं। कभी आपको बुरा नहीं लगा इस चीज़ का कि आप फेडरेशन की बात करो, चाहे आप बाकी अकेडमीज़ की बात करो, चाहे आप स्टेट की बात करो, आप अपने सेंसर्स देते हो, आप इतने अच्छे एथलीट्स निकाल रहे हो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, कभी इस बात का बुरा नहीं लगा कि यार मैं इतना कर रहा हूँ और ये लोग मेरे ऊपर इस तरीके से एलिगेशंस लगाते हैं? बुरा लगा भी है, पर मुझे कुछ, जैसे अतुल सर है जम्मू, उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया, उन्होंने बोला है, प्रभात सर है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उन्होंने बोला बेटा आप अच्छा काम कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप जब ऊपर जाओगे तो आपके दो पैर भी खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बकायदा ये तक बोला, आप प्रूफ दो। मैंने उनके सामने बोला कि मैं छोड़ दूंगा, गेम ही छोड़ दूंगा मैं। आपकी जो एकेडमी है लोग बोलते हैं काफ़ी छोटी है, हाँ, लेकिन एथलीट यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। मैंने खुद आपकी जो फ्राइडे सेशन था देखा, काफ़ी अच्छे टैलेंट मुझे यहाँ पे दिखा। सो क्या एक छोटी जगह बड़े खिलाड़ी नहीं बना सकती? ऐसा नहीं है। फिर जो गवर्नमेंट के सेंटर हैं वो तो इतने बड़े बड़े स्टेडियम हैं, वहाँ से क्यों नहीं आ रहे प्लेयर? देखो छोटी जगह है तो उसके कई बेनिफिट भी है हमारे पास। हम छोटी जगह में ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम टूर्नामेंट में स्टेडियम में खेल रहे हैं, हमारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं होती हमें। हम ऑक्टागन, छोटे ऑक्टागन पे खेल रहे हैं, जब हम टूर्नामेंट में खेलते हैं तो हम छोटे स्पेस में खेल के हैबिट बन चुकी है, तो हम बाहर नहीं जाते, हमें गमजुम नहीं मिलेगा, पेनल्टी नहीं मिलेगा, उस चीज़ का हमें बेनिफिट है। और जब हम छोटा खेलते हैं तो हम एग्रेसिव खेलते हैं, तो उस चीज़ का हमें बेनिफिट भी। और ये प्लेयरों का मोटिवेशन होता है, प्लेयर को खेलना तो छोटे 8x8 के अरीना में, ऐसा थोड़ा ना 10 कोर्ट लगा के खेलेगा वो, ये चीज़ें थिंकिंग गलत है। आपको एज अ कोच कैसे एथलीट को ट्रेन देने में बहुत मज़ा आता है? मुझे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बड़े अच्छे लगते हैं। फ्राइडे को आप सेंसर पे इतनी ज़्यादा फाइट क्यों कराते हो, रीज़न क्या है आपका? क्योंकि मैं एज ए रिकॉर्ड भी रखता हूँ इनका, ये कितना इम्प्रूवमेंट करा है, ये नहीं है बस किक मारा और चला गया, मैं एज ए रिकॉर्ड भी रखता हूँ इनका,
कि ये डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे बहुत मेडल चाहिए, एक मेडल नहीं चाहिए कि सिर्फ एक ही प्लेयर बहुत अच्छा है उसी को आगे, मेरे को सारे अच्छे मेडलिस्ट चाहिए। तो मैं हर फ्राइडे उनको देखता हूँ, मंडे टू फ्राइडे इन्होंने किया क्या, कितना इम्प्रूवमेंट किया, क्योंकि सेंसर पे उनका सब कुछ डाटा आ जाता है। आपने मेडलिस्ट की बात की, तो क्या आपको याद है कि पिछले नेशनल में आपको कितने मेडल थे? पिछले नेशनल में जबलपुर में लास्ट सीनियर नेशनल में 6 मेडल थे। इस बार कितना प्लान कर रहे हो? अगर इस बार ही मेरे 8 से 10 मेडल का प्लान है। इसके अलावा आपका फ्यूचर प्लान क्या है लॉन्ग टर्म का? दूसरा, शॉर्ट टर्म में कौन सा इंटरनेशनल अभी आप टारगेट कर रहे हो? अभी ईरान में है, उसके हमारी प्रिपरेशन चल रही है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। हम जितने एशिया में टूर्नामेंट है हम उसके लिए इंटरनेशनल के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। BSF और CSF के जो एथलीट है वो भी यहाँ पे आके ट्रेनिंग करते हैं, आप लोग भी वहाँ जाके ट्रेनिंग करते हैं, तो ये क्यों रिक्वायर्ड है कि एक्सचेंज हो, एथलीट्स एक्सचेंज हो? इससे क्या उनको भी बेनिफिट है प्लस हमारे प्लेयरों को बेनिफिट। जब इनकी फाइट ट्रेनिंग होती है तो नए नए प्लेयर आपस में फाइट होती है, तो ताकि जब हमें अपने प्लेयर का पता चलता है वो कितना इम्प्रूवमेंट कर रहा है। अब दो प्लेयर एवरीडे फाइट करेंगे कोई फ़ायदा नहीं, जब चेंज होते हैं तब उनका इम्प्रूवमेंट पता चलता है। आपको इतने साल हो गए हैं ताइक्वांडो में, सो कौन सा आपका एक ऐसा दोस्त बना है जिसको आप कभी भी कुछ भी बोल दोगे और वो आपके लिए हमेशा तैयार है, कोई एक ऐसा दोस्त? मेरा अतुल पंगोत्रा है जम्मू का, जो मेरा बहुत खास फ्रेंड है, जो उसने मेरे को एज ए छोटे भाई की तरह हर दम, चाहे मेरे कोई भी प्रॉब्लम आई है मुझसे पहले वो खड़ा होता है, और उसको पता है मेरे बारे में कि ये ताइक्वांडो एज ए बिजनेस नहीं करता है, ये एज ए शौक के तौर पे इंडिया के लिए मेडल लाने के लिए, तो वो मेरे साथ हर दम खड़ा रहता है। सो आज इस इंटरव्यू में उनको कुछ बोलना चाहेंगे आप? उनकी रिस्पेक्ट दिल से है अतुल सर की, और मेरे बड़े भाई की तरह मैं उनको मानता हूँ। आपका ट्रेनिंग स्केड्यूल कैसा रहता है? क्या सबसे पहला तो क्या मॉर्निंग इवनिंग दोनों रहता है, और दूसरा ये है कि आपके सीनियर बच्चे और जूनियर बच्चे क्या साथ में ट्रेनिंग करते हैं? अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों? हमारी ट्रेनिंग मॉर्निंग भी होती है, इवनिंग भी होती है, और हम सीनियर जूनियर इकट्ठे करते हैं ट्रेनिंग, क्योंकि जो एक नया बच्चा आ रहा है उसको भी अच्छा खेलना है, जब वो सीनियर के साथ करेगा तभी वो डेवलप होगा। ऐसा नहीं है कि चार अच्छे हो गए तो वो अलग करेंगे और ये नहीं करेंगे, मैं इकट्ठा कराता हूँ इनको। फ्राइडे को मैंने देखा आपके पास इतने सारे सेंसर सॉक्स हैं, तो वो आपके हैं कि वो बच्चों के हैं? वो सब सेंसर सॉक्स हमारे हैं, हम देते हैं बच्चों को, हम किसी बच्चे को नहीं बोलते कि आप परचेज करो, हम देते हैं। सिर्फ हम बच्चे को बोलते हैं ड्रेस, आर्म गार्ड, सिम गार्ड, बाकी सब क्लब प्रोवाइड करता है। आपके पास कितने सेंसर्स हैं टोटल? मेरे पास सेंसर तो बहुत सारे हैं। नंबर याद है कितने हैं आपके पास अभी तक? जिस तरीके से मैंने कल सेंसर सॉक्स देखे, जिस तरीके से मैंने कल चेस्ट देखे, मुझे लगता है कि 50-60 तो होंगे आपके पास शायद। मतलब मेरा क्या है, ये शौक है, बिजनेस नहीं है। आपने देखा होगा, आपको भी काफ़ी कॉल आते हैं कि बच्चे लोन लेके रैंकिंग चैम्पियनशिप खेलते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं बोलता हूँ कि जीवन लोन लेके मत खेलो, आप अपने नेशनल में मेडल दो, आपको साई भेजेगी, फेडरेशन भेजेगी, तब जाके पार्टिसिपेट करो, अपने नेशनल में अच्छी पहचान बनाओ, जितने ओपन टूर्नामेंट होते हैं छोटे छोटे वो खेलो, ताकि उससे क्या है, एक आप पे वजन नहीं आएगा पैसों का। अब जीवन आप 1,00,000 रुपये खर्चा करके खेल रहे हो तो उससे क्या बेनिफिट है, कोई बेनिफिट। यहाँ पर आपको बहुत सारे यंग एथलीट्स देख रहे हैं, तो उनके लिए कोई एक ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हो? मैं यही बोलना चाहूँगा जितने यहाँ के यंग प्लेयर हैं कि मोटिवेशन रहो, सही गाइडलाइन से रहो, ये नहीं कि सीधा, मैंने बहुत सीनियर प्लेयरों को देखा है वो डीमोटिवेट हो रहे हैं और वो अपने से जूनियर बच्चों को डीमोटिवेट करें, ये चीज़ गलत है। ओलंपिक खेलेगा तो फर्स्ट कोई ओलंपियन बनेगा ना, फर्स्ट बनेगा तभी तो वो और प्लेयरों के लिए रास्ते, अगर सब प्लेयर ऐसे डीमोटिवेट होंगे तो वो फर्स्ट कौन बनेगा? जब ही तो सबके लिए रास्ते खुल जाएंगे, एक खेलेगा सबके लिए रास्ते खुलेंगे। आपके जो वर्ड्स हैं डेफिनेटली हेल्प करेंगे हमारे जो यंग एथलीट्स हैं उनको ताइक्वांडो में। तो ये थे हमारे साथ टोकस भाई, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। आने वाले टाइम पर आपको ऐसे और कोचेज देखने को मिलेंगे फिटिस्तान यूट्यूब चैनल पर, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आप टोकस एकेडमी में आके ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो जो नंबर है
टोकस भाई का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा इन्होंने बोला कि इनको वो एथलीट चाहिए जो पैशनेट है, इनको कोई नेशनल मेडलिस्ट नहीं चाहिए, इनको कोई स्टेट मेडलिस्ट नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपको सच में जुनून है ताइक्वांडो में कुछ करना है, तो आप इनसे बात करके आ सकते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे तो ज़रूर आने वाले कई सालों में आप इंडिया के लिए ज़रूर मेडल देंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई अकेडमी में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।